मैं नरेश गोयल, सेक्रेटरी श्री एसडी एजुकेशन सोसाइटी रजिस्टर्ड पानीपत की तरफ से अपने देशवासियों को, अपने हरियाणा वासियों को, अपने सभी स्टाफ, अपने सभी स्टूडेंट्स, अपने सभी परिवार जो भी हैं उनको अपनी तरफ से व संस्था की तरफ से धनतेरस, भाई दूज और दीपावली की सबको शुभकामनाएं। आने वाला साल, आने वाला समय सबके लिए प्रॉस्पेरिटी लाए, सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य लेके आए, हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारी सोसाइटी का नाम हो, हमारी सोसाइटी अच्छा कार्य करे और ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़िया से बढ़िया बच्चों को एजुकेशन दें, यही हमारा आने वाले साल में दे रहेगा। धन्यवाद। ओम नमस्ते जी। आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की तरफ से व प्रबंधक समिति की तरफ से व स्टाफ की तरफ से दीपावली की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको बहुत खुशियां प्रदान करे। धन्यवाद जी। नमस्कार, मैं मधु पराशर, प्रिंसिपल डॉक्टर एमके आर्य मॉडल स्कूल पानीपत, अपने विद्यालय प्रबंधन, अपने विद्यार्थियों, अपने शिक्षकों और सभी कर्मियों की तरफ से आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मोमिन मरली जी, ये जो क्लाइंट आए हैं आपके पास में, तो इनके साथ जो धोखाधड़ी है, ये मामला क्या है, ये पूरा तफसील के साथ में बताएंगे। देखिए, ये इनके साथ जो है एक तरीके से धोखाधड़ी का मामला हुआ है। 58 लाख रुपए इनसे हड़पे गए हैं और 58 लाख रुपए हड़पने के बाद इनको फर्जी वीजा लगा करके इनको विदेश भेजने के नाम पर जो है इनसे पैसे हड़पे गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे तो चलो इन्होंने दिए, इनके पास सब सबूत है, वीडियोग्राफी भी है और जो पैसे दिए उनके पूरे डिटेल्स भी इनके पास सब कुछ मौजूद है। और उसके बाद इनको फर्जी वीज़ा लगा करके जो है वो भारत से भेज दिया गया। और रास्ते में क्योंकि कनेक्टेड फ्लाइट थी तो इनको फिनलैंड से जब इनके वीज़े को चेक किया गया तो वहाँ पर देखा कि भाई वो तो नकली वीज़ा है, तो इसको भारत में वापस डिपोर्ट कर दिया गया। तमाम इसकी पासपोर्ट पे, वीज़ा पे क्रॉस मार्क्स लगा करके, लिख करके कि बाकायदा कि ये फर्जी वीज़ा है। ये इन्होंने कैसे कैसे इंतज़ाम किया, अपनी ज़मीन को बेचा या जो मर्जी अरेंज किया, इन्होंने 58 लाख रुपए का जो इंतज़ाम किया वो एक भारी रकम होती है। और इन्होंने पुलिस जो कंप्लेंट की, पहली बात तो पुलिस ने आनाकानी की इनकी सुनने में, जैसे इन्होंने मुझे बताया, उसके बाद किसी तरह ये अधिकारियों को पेश हुए तो उस पर FIR दर्ज हुई। तो अब FIR दर्ज होने के बाद जो देखा गया उसमें नामजद 5-6 व्यक्ति हैं, लेकिन एक ही व्यक्ति के खिलाफ जो है वो चार्जशीट फाइल की गई। और चार्जशीट पर देखने के पता चला कि बहुत सारी सेक्शंस उसके अंदर नहीं लगाई गई जो बनती थी, केवल 2 या 3 सेक्शंस लगा करके फॉर्मेलिटी पूरी कर दी गई। तो आज हमने ये हमारे पास आए हैं और ये कुरुक्षेत्रा के रहने वाले हैं, ठोल इनका गांव है। तो इन्होंने आकर के काफ़ी दिनों से ये फ़ोन कर रहे थे, तो इन्होंने मिलने का समय मांगा, तो आज इन्होंने अपनी बातें रखी। हमने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनके देखे और देखने के बाद हमने पुनः इस मामले की जांच के लिए आज DGP को और जो मौके के SP उनको और हरियाणा सरकार को इनकी तरफ से लिखा है, इसमें पुनः जांच की जाए, क्योंकि जांच अधिकारी ने उन मुलजिमान के साथ मिल करके तमाम सबूतों को तोड़ा है, मरोड़ा है और सही फैक्ट जो है वो कोर्ट में चलान के रूप में पेश नहीं किए। तो ऐसे हालात में ये बनता है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये चाहते हैं कि इस्माइलाबाद थाने से इनकी इन्वेस्टिगेशन ना हो, स्टेट क्राइम ब्यूरो से या अन्य कोई पुलिस का डिपार्टमेंट इस मामले में, विजिलेंस या स्टेट क्राइम ब्यूरो या अन्य कोई हरियाणा का पुलिस डिपार्टमेंट इस मामले में संज्ञान लेकर के पुनः जांच करे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि इन लोगों को इंसाफ मिल सके। तो जिस तरह फर्जी इन्वेस्टिगेशन की है तो क्या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? उस पुलिस अधिकारी के बारे में भी हमने इसके अंदर लिखा है कि उसने तमाम सबूतों को तोड़ा है, मरोड़ा है और तमाम तथ्य को छुपाया है, तो उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई हमने की है, उसके अंदर लिखा है, उसकी भी जांच होगी, डिपार्टमेंट इंक्वायरी खुलेगी उसकी और इसमें दोबारा जांच होगी, क्योंकि मामला बड़ा मामला है, इनके पास तमाम सबूत है, वीडियोग्राफी है, पैसों का रिकॉर्ड है और उस अधिकारी ने भी इनके साथ जो है गलत किया है।
और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि ये लड़का जैसे ही वहां से आया है, इसको कैंसर की शिकायत हो गई है, और ये कैंसर का जो ना मरीज है, अभी इसकी कीमोथेरेपी हुई है, उसमें भी बहुत बड़ी जो है इनकी रकम खर्च हो रही है, और पुलिस रिकवरी करने में 34.5 लाख के करीब इन्होंने बताया कि वो अभी तक रिकवरी नहीं हुई। तो ये हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री महोदय को और DGP हरियाणा पुलिस को और जो संबंधित बड़े अधिकारी है उनको कंप्लेंट भेजी है। उम्मीद करता हूं कि इनके साथ जो इंसाफ होगा, इसके फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी, और वो लोगों तमाम लोग जो पुलिस ने छोड़ दिए हैं साठगांठ करके, 5 या 6 लोग, केवल एक व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया है, उन तमाम लोगों को भी जो है अरेस्ट करके जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये मामला आपके साथ हुआ? हाँ जी सर जी, मेरे साथ हुआ है मामला जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उस्मान अली है जी, मैं ठोल का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्रा से। मेरी बात उनसे हुई थी सर अमेरिका जाने के लिए, 58 लाख रुपए में बात हुई थी सारा जी। और किस लिए जाने के लिए? अमेरिका में जाने के लिए बात हुई थी उनसे। वहाँ काम के लिए है या कैसे? वहाँ काम के लिए जी सर। नौकरी के लिए? नौकरी के लिए जी। अच्छा, तो फिर उन्होंने जी फर्जी जो भी डॉक्यूमेंट है वो लगाए जी, मेरा वीजा लगाया जी। वहाँ पर मैं गया जी फिनलैंड तक, उन्होंने मेरी फ्लाइट करवाई, और जी नीदरलैंड का वीजा था जी। फिनलैंड पर जाने पर जाने के लिए बात हुई? हाँ जी, अमेरिका जाने के लिए बात हुई थी, उन्होंने मेरा नीदरलैंड का वीजा लगाया था। और जी फिनलैंड एयरपोर्ट पे मैं पहुँचा, तब उन्होंने वहाँ के जो भी सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिसकर्मी हैं, और उन्होंने मेरे को बताया कि जो भी है आपका वीजा सारा फर्जी है, आप इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जी मेरे को अंदर अपने जो भी उनका कैबिन होता है अंदर ले गए हैं। अंदर ले जाने के बाद काफ़ी टाइम बाद सिक्योरिटी आती रही और मेरे से पूछताछ काफ़ी की, और पूछताछ करने के बाद उन्होंने मेरे को बताया कि आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा, और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है ये सब फर्जी हैं, आपका वीज़ा फर्जी है, आप आगे नहीं ट्रैवल कर सकते। हाँ जी, यहाँ पर आया मैं, जब वापस आया उनसे हमने बातचीत की, पंचायत भी हुई, लेकिन उन्होंने आनाकानी बहुत की। फिर हमने कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद हमने इधर उधर काफ़ी गए हैं, SP साहब के पास गए, SP साहब के पास से SHO साहब के पास कंप्लेंट आई, लेकिन उसके ऊपर कोई भी उच्च कार्रवाई नहीं हुई। हम काफ़ी जगह गए, अनिल वी साहब के पास भी गए हैं, और उनके पास जाने के बाद भी उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है, और अब तक ये सब आनाकानी कर रहे हैं, कोई भी पैसा नहीं मिला। मैंने सर काफ़ी जगह कंप्लेंट्स डाली, लेकिन आज तक भी किसी भी कंप्लेंट पे मेरी कार्रवाई नहीं हुई, और जो भी सर मैंने सबूत दिए थे उनको सारे मेरे सबूत को दबाया गया, ना मेरे आगे कोई सबूत उच्च अधिकारियों को उन्होंने दिखाए, और सब का सब केस मेरा दबा दिया गया ऐसे ही। तो क्या जिसने भेजा था आपको उसकी भी पुलिस साठगांठ है मेरी बगैर? हाँ जी, उसकी सर साठगांठ फुल है। जब जब हम पुलिस कर्मियों के उच्च अधिकारियों के पास जाते थे वो हमको यही धमकी देते कि किसी के पास भी आप चले जाओ, सब हमारी जेब में रहते हैं, जहाँ जहाँ भी जाओगे हम सबको खरीद लेंगे, ऐसे बोलते थे सर वो। कहाँ रह गए बेटे, जाकर तो बैंक में थे, कहाँ रह गए थे बैंक में भेजे था फटाफट चल लेट हाल इसमें तो बड़े रबड़ा बैंक में दिखा सी इन्हें कर कुंडी राजेश भी बोला जिस भी जी छोड़ के ये कुंडी का कुंडी कर दे बैठ। हाँ ये भी चल रहा है जब कैसे हो रहा हमारी गली में अच्छा जब मैं कुंडी ला है ना सिंह ना 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 ना
ठीक है ना। हर आदमी का एक अपना सिस्टम है, सारा काम करने का अपना तरीका, हम बिना अपने तरीके से काम ही नहीं करते।